एक जिज्ञासा आई है, शिव को तो हम लोग मानते ही हैं, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? शिव को आप मानते ही हैं, इस पर जरा ठीक से सोचने की जरूरत है। शिव से आप मांगते ही हैं, ये बात सही है। शिव को आप मानते ही हैं, कौन कह रहा है कि मानिए चाहे मत मानिए? मैंने कहा ना कि मैं तो शिव को मानता ही नहीं था, मैंने तो उनको भगवान समझ के गुरु बनाया, और कोई विश्वास नहीं था मुझको, कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी। और भाई साहब, किसी बेटे का बाप अगर मास्टर है तो बाप तो कहबे करेगा कि बउआ हमसे पढ़ा करो, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अब वो कहेगा कि थोड़ा क्या, हम बाप तो मानवे करते हैं तो पढ़ने का क्या जरूरत है? तब बप्पा कहेगा कि रे साला, नहीं पढ़ेगा तो घासे जिंदगी भर छीलेगा का? तो महादेव को आप मानते जरूर हैं, आपको महादेव से पढ़ना भी चाहिए। आप, वो आपका बाबा है, शिव को बाबा कहा जाता है, वो आपका बाबा है, उस बाबा से बड़ा गुरु इस धरती पर नहीं है। ये आपकी किताबें ही बोलती हैं, आपके शास्त्र ही बोलते हैं। इसलिए खाली बाबू बाबू कहने से नहीं चलेगा, बाबू से पढ़ना भी चाहिए। दूसरी जिज्ञासा आई, गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु और भगवान में क्या अंतर? भगवान जो होगा उसको तो गुरु होना ही होना, क्योंकि भगवान अगर गुरु नहीं है तो संसार में कोई गुरु नहीं है। भगवान वो ईश्वर, अगर बाप उसमें पिता का गुण नहीं है तो संसार में कोई पिता नहीं हो सकता। ईश्वर में अगर माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु में तो, भगवान में तो गुरु का अंश होना ही होना है। कहा ही जाता है गॉड इज गुरु, वह परमात्मा तो गुरु है। जहाँ तक गुरु और भगवान में अंतर है, भगवान आपको भगवान नहीं बनाते, गुरु आपको भगवान बनाते हैं। भगवान से जुड़िएगा तो आप भक्त होइएगा, जो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। भक्त होने के लिए भी आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भक्त तो हैं नहीं, हम लोग तो याचक हैं, मानते हैं। और भक्त का मानी होता है प्रेम करने वाला, जो देता है। प्रेम करने वाला लेता नहीं है, वो देता है। भक्त का मानी होता है ईश्वर से प्रेम करने वाला, वो देता है, ईश्वर से लेता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को जब गले में कैंसर हो गया तो लोगों ने कहा कि आप माँ को क्यों नहीं कहते हैं कि आपके गले में कैंसर हो गया है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर, बंगला तो मुझको नहीं आती, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा था, इस छोटे काम के लिए हम माँ को कष्ट नहीं देंगे। यानी देखिए, भक्त तो भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता, हम लोग तो खाली कष्ट देवे करते हैं। खैर, ये भी ज़रूरी है हम लोग को, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो भगवान से मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन हम लोग भक्त नहीं हैं तो गुरु के पास आपको जाना ही पड़ेगा। गुरु ही शिष्य को भक्त बनाते हैं, भगवान आपको भक्त नहीं, ये भगवान नहीं बनाता, गुरु आपको भगवान बनाता है। जी, राजेश कुमार यादव, साकीना का अंधेरी इश्क। हम शिष्य कैसे हो रहे हैं, हमको कैसे पता कि शिव के शिष्य हैं? आप शिव को गुरु मान लीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा उसको पता चले या नहीं चले, उस ससुरा से आना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग छोटे थे कि नहीं, मेरे बचपन की तस्वीर आप पहचानिए तो जरा, आप नहीं पहचान सकते। मेरे परिवार के जो छोटे छोटे, मेरा पोता पोती है, वो हमारे बचपन की तस्वीर, या कॉलेज में था या मैं दंडाधिकारी था, वो नहीं पहचान पाता है। तो खुद ही पता चल जाएगा कि आप शिव शिष्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप बढ़िए तो आगे आपको मालूम हो जाए, लेकिन बढ़िए, शिव को अपना गुरु बनाइए। और निर्णय आपका है, आपने सोचा है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तो दूसरे से कहाँ लग पूछने जाते हैं? सोचा आपकी ब्याह हम करेंगे और दूसरे से पूछने जा रहे हैं कि ब्याह में कैसा लगता है, साले कहाँ सोचे? सोचते आप हैं या पूछते हैं हमसे? आशा देवी कल्याण, आपकी जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में शिव की तस्वीर, प्रसाद, पुष्प, आरती, ये सब कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं।
शिव की चर्चा में आपको प्रसाद चढ़ाना हो जरूर चढ़ाइए, अगर बत्ती जलानी हो जलाइए, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना तब इतने लोगों में प्रसाद बांटने में आपका मूड ही जाएगा फूट। कई जगह कई राज्य हैं जहाँ शिव शिष्य बहुत ज्यादा हैं, वहाँ कई जगह आरती में गुरु बहनों की साड़ी में आग लग गई और वो जल गई। नेपाल में गुरु बच्चा था, वो आरती के लिए थाली में हाथ बढ़ाया तो रुई का जो रहता है जलता हुआ टुकड़ा उसकी आंख में गिर गया, उसकी एक आंख फूट गई। तो भीड़ में नहीं, अब अपने घर में जरूर आप अगरबत्ती जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें, कोई हम लोगों का सुविधा नहीं है, काहे कोई रोकेगा भैया, आपका गुरु तो कुछ रोकता ही नहीं है, वो तो शिव है, जगत का गुरु है, जगत में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, वो कैसे किसी को रोक देगा। आप चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। आप प्रसादी चढ़ाइए तो हम लोग रहें तब चढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला पंतोआ, कहे कि महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर है नहीं बेचारे को, वो तो खा नहीं सकता है, शरीर रहेगा तब ना भोजन, शरीर रहेगा तब ना कोई सोएगा। एक बार महादेव ने मुझसे कहा था कि बेटा हमको शरीर है जो हम खाएंगे, बिल्कुल सही है, शरीर है तब ना भोजन, शरीर है तब ना कोई सोएगा, शरीर है तब ना कपड़े लत्ते, शरीर है तब ना सवारी, जगह शरीर ही नहीं है तो वो तो खाएगा नहीं, लेकिन हम लोग तो खाएंगे ना, तो हम लोग को तो चाहिए बढ़िया बढ़िया एटम बम रसगुल्ला चौम चौम। आप चढ़ाएगा इलायची दाना तो क्या खाएगा, कहेगा दूर हटा। कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमारे ऊपर महादेव आते हैं, कहाँ तक सत्य है? एक बात बताइए, एक सवाल, ये सवाल है, हमारे ऊपर महादेव आते हैं या हमारे ऊपर भगवती आती हैं या हमारे ऊपर ब्रह्म आते हैं, इस तरह कई सवाल कई जगह हुए हैं। एक बात बताइए, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा? कोई भले आदमी, कोई जेंटलमैन, कोई शरीफ आदमी आपके घर में आपसे बिना पूछे जाएगा? दरवाजे पर खड़ा होगा, पूछेगा कि फलना बाबू हैं, कहिएगा कि हैं, तो कहेगा कि जरा हमको मिलना है, तब आप कहेगा आइए बैठिए, तब वो बैठेगा? कोई भले आदमी तो बिना पूछे आपके घर में नहीं जाएगा, आ चोर उचक्का पूछ के जाएगा, परमिशन लेके जाएगा कि हम आपके घर में जाने चोरी करने, वो तो घुस जाएगा चुपचाप। तो शिव से बड़ा कोई भले आदमी है, भगवती से बड़ा कोई है, गणपति से बड़ा कोई है तो आपके घर में जाएगा तो पूछ के नहीं जाएगा? आपके देह पर महादेव आ रहा है, उनको बैठने का जगह नहीं है कहीं का? आपके देहिया पर बैठेंगे वो, भगवती आ रही है, भगवती को जगह नहीं, कणकण में तो विद्या विद्यमान है, आपके देहिया पर कहे आवेंगे, इसे बताइए तो। वो भगवती नहीं है चोर उचक्का, वो महादेव नहीं है लफुआ, होशियार होइए, उसको ठीक कीजिए, महादेव समझ के उसको पूजिए नहीं, उसका लुच्चा है। महादेव किसी के शरीर पर नहीं आता, वो भगवती किसी के शरीर पर नहीं आती, ये अच्छे लोग किसी के शरीर पर नहीं आते, कभी कोई भले आदमी किसी के शरीर पर नहीं जाता, उसको अपनी बहुत सारी जगह है रहने को, आपके घर में वो क्यों रहेगा? आपको वो घर देता है, आप ही के घर में वो रहेगा। जिज्ञासा है कि कुछ भक्त लोग मांस मछली खाते हैं तो इसका अर्थ तो जीव हत्या है, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, जीव हत्या को तो कभी नहीं कहा जा सकता कि उचित है, लेकिन एक बात बताइए, आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलता है क्या? आपकी आंखों की पुतली दूसरे किसी दुनिया में किसी की आंखों की पुतली से मिलती है क्या? विज्ञान कहता है नहीं मिलती, यानी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं। जब अंगूठे का निशान नहीं मिलता, आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती, तो आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो जिसको आप कहते हैं आपकी पसंद आपकी नापसंद, एक कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे शिव गुरु हैं, तो शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं ना, तो वो ईश्वर है ना, वो परमात्मा है ना, तो समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं और मछलियों को मार के अपना जीवन यापन और अपने परिवार को पालते हैं, क्या उनका महादेव नहीं है क्या? उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह सब्जियां खाते हैं, उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह साग भाजी खाते हैं,
वो समुद्र के टापुओं और नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे या वो पलने वाले लोग जंगलों में जो रहते हैं जिनको पास सब्जियां नहीं मिलती, वो जानवरों को मार के खाते हैं या मछली खाए या जो भी खाए, वो क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका परमात्मा नहीं है? तो क्या उनको अपने गुरु शिव को अपना गुरु मानने का अधिकार नहीं है? अब हत्या सही हो या गलत हो, जीव हत्या सही हो या गलत हो, ये तो आपको बाघ से भी पूछना चाहिए, जो कि मानसी खाता है, घास नहीं खा सकता बेचारा, वो भी तो हत्याएं ही कर रहा है। तो जीव हत्या किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जीवन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। शिव उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जगत का गुरु है, वो भी भगवान के बेटे हैं, और भगवान को पाने का उनको भी उतना ही अधिकार है जो साग सब्जियां खाते हैं, सबको तो बराबर का हिस्सा। कहते हैं गुरु 9 प्रकार के होते हैं, तो हमें किस गुरु को या कैसे गुरु को परम गुरु या मोक्ष का गुरु माना जाए? ये MB शर्मा जी हैं मालसोपारा ईस्ट से। गुरु 9 प्रकार के होते हैं, कहीं पढ़ लिया, हम तो पढ़ के नहीं किए। कैसे, दूसरा सवाल है कैसे गुरु को गुरु माना जाए जो मोक्ष गुरु हो? भैया लईकाई से हम सीखे हैं सो हम बता देते हैं, हमको नहीं पता। हमको एक बार घोरी बोला था कि मोक्ष रखोगे ना तो मोक्ष मिल जाएगा, तब से हम देखिए थोड़ा थोड़ा मोक्ष रखते। अब वो भाई साहब का हम क्या बतावे, वैसे शिव परम गुरु ही नहीं गुरु भी है। आप शिव को गुरु मान लीजिए, छोड़िए कौन कौन डिजाइन का गुरु होता है, आदमियों पर हर डिजाइन का होता है। अंधेरी वेस्ट से है, ओम को क्यों मंत्र से हटाया गया है? एक भाई ने पूछा है ओम को मंत्र से क्यों हटाया गया, हम कहला टमिंग, आप कहला जोड़े हैं सो बता दीजिए, तो यो तो सवाल हो सकता है। अरे भाई ओम मंत्रों का श्री है। एक आदमी बॉम्बे से लिख रहा है चिट्ठी, काम करने आया है बेचारा, बाहर का है, तो अपनी पत्नी को लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, श्रीमती नाम मान लीजिए, उसके पत्नी का नाम मान लीजिए फूल कुमारी है, तो लिफाफा में लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, लिखेगा ना श्री लगाया अपनी पत्नी के नाम पर, और लिफाफा के भीतर जो चिट्ठियां रहेगा उसमें क्या रहेगा, मेरी फूल कुमारी, हट गया ना, प्यारी फूल कुमारी, हट गया ना। तो ये सम्मान सूचक शब्द है, श्री है, मोहम्मद है, मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, हमारे यहाँ श्री है, आर्यावर्त में श्री है। ठीक उसी तरह से जब आदमी के नाम को इतना सम्मान दिया गया तो देवताओं के नाम को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हर एक मंत्र के पहले श्री लगाए, यानी ओम लगाए, सम्मान दिया गया है। लेकिन जब भीतर आइएगा, जब उसको अपना बनाइएगा तो श्री हट जाएगा। अपने बेटे को आप पुकारते हैं श्री बहु, श्री रामू इधर आइए, जब बोलिएगा श्री रामू इधर आइए तो बेटो आप बुझ जाएगा जरूर पप्पा बिगड़ा हुआ, श्री बोल रहा है हमको, तो श्री हट जाता है। इसीलिए नमः शिवाय जब जपा जाएगा तो ओम हटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिद्धांत कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं जो ओम के साथ बने हैं, बहुत आदमी का नाम होता है श्री राम ठाकुर, उसमें से कैसे हटाइएगा? बहुत आदमी का नाम है श्री कृष्ण सिंह, अब हटाइए, उसमें अलग से लिखना पड़ता है हम लोगों को श्री श्री कृष्ण सिंह, अलग से श्री जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कुछ शिव के मंत्र हैं जो इसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा, जैसे ओम नमो नमः शिवाय, इसमें से नहीं हटेगा, ओम नमो नमः शिवाय, शिव को दो बार प्रणाम कर दिया, इसमें से नहीं हटेगा। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, बड़ा पुराना मंत्र है, इसमें ओम लगा हुआ नहीं है, अलग से लगाया गया है सम्मान देने के लिए, लिखना गलत नहीं है, बोल सकते हैं आप ओम नमः शिवाय, लेकिन जब अपना बनाइएगा तब ओम हटेगा। वैसे ओम नमः शिवाय भी जपिएगा तो हर्ज नहीं है, लेकिन सही मंत्र है नमः शिवाय, जो पंचाक्षर है, पांच अक्षरों का है, शंकराचार्य ने भी इसी की स्तुति की थी। एक आखिरी जिज्ञासा नहीं है, निवेदन है। ये श्री राम जी दमन से हैं गुरु भाई साहब जी, 2014 तक संपूर्ण मानव सृष्टि शिव को अपना गुरु मान ले, इसे पूरा करें और हमें न रुलाएं। मैंने वो चाहते हैं कि 2000 तक तक पूरी मानव सृष्टि शिव से हो जाए। सलाम रे बाप से नहीं।
महादेव से हो सकता है। चलिए हम सब मिलके महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को वो ऐसी हम लोगों पर ऐसी दया करें कि सब लोग हम लोग सचमुच में शिव के शिष्य बने, शिव को जाने, शिव को समझें और शिव शिष्य वास्तव में बने, यथार्थ में बने। हम यही अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं और यही अनाधिकार आशीर्वाद भी हम शिव शिष्य के रूप में आपको देना चाहते हैं कि आप सचमुच में शिव के शिष्य बनिए और फिर आपने कभी चाहा तो मैं कल्याण आऊँ या महाराष्ट्र आऊँगा, समय मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, आप बुलाएंगे तो। तब तक के लिए मेरा प्रणाम, आप सभी लोग अपने चरणों में स्वीकार करिए, आप लोगों को मेरा प्रणाम।